पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के थाना क्षेत्र के देहरी गांव में एक विकलांग महिला को उसके ही परिवार के लोग उसकी जमीन को निकलने के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं। उस समस्या से परेशान होकर विकलांग महिला उर्मिला थाना कटघर पहुंची और इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन कटघर थाने की पुलिस ने उसकी समस्या को सुनने से इनकार कर दिया है और थाने से भगा दिया। उसके बाद विकलांग महिला पीतल नगरी चौकी प्रभारी के पास पहुंची और अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन चौकी इंचार्ज ने भी सुनकर अनसुना कर दिया। के बाद विकलांग महिला ने अपनी आप बीती सुनाई। मीडिया ने उनकी समस्या को अपने कैमरे में कैद किया और जब पुलिस से मीडिया ने सच जानने की कोशिश की तो पुलिस ने बताने से साफ मना कर दिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस महिला को कोई न्याय दिला पाती है या नहीं। देखने वाली बात यह है कि अगर यूपी पुलिस का यही रवैया रहा तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। वैसे तो योगी सरकार कहती है कि कोई भी समस्या हो तो हमारी 100 डायल को फोन करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन 100 डायल की बात तो बहुत दूर। थाना कटघर में बैठे पुलिस कर्मचारी किसी आम आदमी की समस्या को सुनने से भी कतराते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसके बावजूद भी कहती है कि हमारी पुलिस अच्छा काम करती है। मेरा नाम अनुराग है, मैं समस्या लेके थाने आई हूँ। मुझे 3 फुट का रास्ता दे रहे हैं परिवार वाले, मुझे 4 फुट का रास्ता चाहिए साहब, यार्ड वाले मंदिर के पास थाने में कोई कार्रवाई नहीं करते। वो लोग तो कह देते हैं चलो हम आ रहे हैं, घर वाले कहते हैं कि हम तो 3 फुट का रास्ता था, इससे फालतू मानो। मैं चाहती हूँ मुझे 4 फुट का रास्ता चाहिए और ऊपर से नीचे तक सब साफ खुला चाहिए। मैं मेरी मर्जी है, मैं बंद करूँ या खुला रखूँ।